तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने YouTube चैनल किसान चेतना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम नांगल परिक्षेत्र में पहुंचे हैं और आज एक वैरायटी के हम आपको एक सच्चाई दिखाएंगे। 15023 वैरायटी है और मील इस पर जोर भी दे रही है। किसान भाई से पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और इसकी आप देख ही सकते हो ट्रंच के आधार पर बुवाई कर रखी है गन्ने की। तो किसान भाइयों चलते हैं और आप देख ही सकते हो पेडी का कितना अच्छा फुटाव हो रहा है। 15023 गन्ने की आज हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई भी हमारे साथ ही हैं और कुछ मील के अधिकारी भी हैं, सुपरवाइजर साहब भी हमारे साथ ही हैं, गिरी जी हमारे बहुत सहयोग करते हैं। और आप पेडी का देख ही सकते हो कितना बढ़िया फुटाव हो रहा है पेडी का। किसान भाइयों चलते हैं और सभी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं अपने किसान भाई से। आप देख ही सकते हो गन्ना बहुत ही बढ़िया खड़ा है 15023, और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे थोड़ी बहुत। किसान साथियों आप देख ही सकते हो गन्ने की ग्रोथ बड़ी ही शानदार हो रही है और मोटाई भी ठीक ठाक हो रही है। तो किसान भाई से मिलते हैं और फिर इनसे जानकारी लेते हैं। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक है। तो जो हमारे सबसे पहले जो किसान भाई हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, अपना परिचय दो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश सिंह। और गाँव का नाम जी? खानपुर। अच्छा, और जिला आपका? बिजनौर। अच्छा, तो ये बताओ जी गन्ने की वैरायटी कौन सी आप सबसे पहले? तो 15023। अच्छा, तो कब बुआई करी थी इसकी? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, 10 अप्रैल के लगभग। 10 अप्रैल के आपके आस पास आपने इसकी बुआई करी थी। किसान साथियों सुपरवाइजर भी साहब हमारे साथ ही हैं। राम राम जी। राम राम। ओ जी ठीक ठाक हो जी? तो अपना परिचय दो जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गिरी। अच्छा, मैं बरकतपुर चीनी मिल में सुपरवाइजर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, और जो है ये 15023 का जो गन्ना है आप लोगों को जो दिया जा रहा है जी जी, इसमें और 238 वैरायटी में जो है अंतर ये है कि 238 वैरायटी में रोग आ गया, रेडवाड के जो है लक्षण आ गए, लक्षण आ गए। और मुरादाबाद के इधर साइड में जो है अभी तो कुछ कम है, लेकिन मुरादाबाद से जस्ट जो है आप क्रॉस करेंगे बरेली साइड को जी, लगभग 99% जो है रेडवाड की जो है आ गया रोग, आ गया। तो 238 गन्ना खत्म हो गया, खत्म हो। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध मेरा ये है कि लगभग 238 गन्ने को जो लगा रहे हैं और लगभग 30% जो है गन्ने की वैरायटी दूसरी लगा के रखें, नई वैरायटी लगा के रखें, जिससे कि अगली समय के लिए ये समस्या ना आने पाए कि बीज ना मिला, खेत की बुआई ना हो सकी जी। और जो 15023 की जो वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है, कम लागत में और कम समय में गन्ना तैयार हो रहा है जी जी। और इसकी हाइट और इसकी जो है वजन और इसका ग्रोथ फुटाव जो है बहुत अच्छा शानदार है जी। गन्ना लगभग में 13 से 14 फीट का गन्ना आपका ये सामने खेत में खड़ा हुआ, बढ़िया खड़ा, बढ़िया खड़ा देख लिए। और जो है पेडी भी बहुत अच्छी होती है, 110 क्विंटल का एवरेज खेत दे रहा है। अच्छा, 110 का, 110 क्विंटल का दे रहा है। और किसान भी साथ में हमारे हैं जी जी, जिससे कि हमारे किसान और हमारे अधिकारीगण जो है साथ साथ हमारे हैं, और इससे कि पूरी जानकारी आप लोगों को हम देना चाह रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध मेरा ये है कि 15023 की जो वैरायटी है 15023 लगा के किसान रखे, जिससे कि 238 वैरायटी से जो समस्या आ रही है जिससे कि बचाया जा सके। और किसान साथी से भी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, जो आपने 10 अप्रैल की आपने इसकी बुआई करी, तो ये बताओ चौड़ाई कितनी सबसे पहले थी इसकी? 4 फुट ट्रंच मत जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये बताओ आपने इस खेत की शुरुआत कैसे करी सबसे पहले? तो ये खेत धान का खेत था। अच्छा, धान का, इसमें मुंजी जिसे कहते हैं जी, तो इसकी हमने हैरो से जुताई करवाई। अच्छा, उसके बाद इसमें टिलर निकलवाया जी, है ना जी, इसमें रोटावेटर निकलवाया जी, लेवलिंग कराई इसकी जी जी। उसके बाद में हमने इसमें गोबर की खाद डलवाई। अच्छा, गोबर की खाद, देसी खाद? देसी खाद जी। तो ये बताओ जी आपने ये बीज कहाँ से प्रोवाइड किया था, बीज कहाँ से लाए थे? ये बीज मिल से लाए थे। अच्छा, मिल द्वारा आप बरकतपुर उत्तम सुगर मिल से बीज लाए थे। अच्छा, तो ये बताओ जी, देखो सच बताना, देखो सभी बहुत किसान भाई देख रहे हैं आपको, वैरायटी देखो किसान हित में है नहीं, ये किसान के हित में वैरायटी है थोड़ी बहुत तो, और भी ठीक है, लंबाई भी ठीक, लंबाई भी ठीक है। और कुछ इसमें गिरने की समस्या ऐसा कुछ है? हमने तो देखा नहीं अभी, देखा नहीं गिरने की समस्या। वैसे तो आपने मिट्टी बढ़िया चढ़ा रखी है, अगर किसान साथी अच्छा प्रबंध करे तो गन्ना गिरेगा नहीं है आपका। किसान साथियों बुआई करते समय हमारे सुपरवाइजर जो हैं ये भी इनके साथी थे, तो सुपरवाइजर साहब ये बताओ आपने दवाई कौन कौन सी लगवाई थी इसमें? मैं बुआई के दौरान जो है खाद डाया, यूरिया और पोटाश। अच्छा, उसके बाद में हमने इमीरा क्लोरोफिट का जो हमने इसमें दवा का जो है इस्तेमाल करवा दिया, इस्तेमाल करवाया। उसके बाद में लास्ट में जो है मई जून के दौरान जो हमने जी इसमें एक बार कोराजन लगवा के उसके बाद में कोई दवा इसमें नहीं लगाई, मिट्टी चढ़वा दी, केवल जो है दवा लगवा करके कोराजन, उसके बाद में मिट्टी का जो है चढ़वा के मेढ़ा लगवा देगा, उसके बाद में कोई दवा का कोई दवा इस्तेमाल नहीं किया गया।
तो किसान साथियों मैं और थोड़ा सा गन्ना निरीक्षण भी करवा देता हूँ। तो और मिल रहे ये बताओ जी, जैसा कि गन्ना कोई अगर प्रोवाइड करना चाहता है 15023 जो भी हमारे किसान भाई, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी और दे दूं किसान साथियों, जो उत्तम सुगर मिल बरकातपुर से संबंध रखते हैं वो ही फोन करें, क्योंकि ये उत्तम सुगर मिल बरकातपुर की द्वारा ही गन्ना प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बताओ जी, जैसा कि कोई लेना चाहता है गन्ना तो उसका क्या प्रोसेसर रहेगा? ऐसा है कि आज की डेट में चीनी मिल जो किसान गन्ना किसान लेना चाह रहे हैं फैक्ट्री के द्वारा या किसान से ले चाह रहे हैं जिससे कि, तो फैक्ट्री के जो अधिकारीगण हैं, सुपरवाइजर हैं या अपर अधिकारी जो हैं, उनसे संपर्क किसान करेगा फैक्ट्री का जी, तो गन्ना जो है 15023 का वैरायटी का गन्ना उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि गन्ना समय से बुआई हो जाए और समय से गन्ना मिल सके। अन्यथा किसान अगर स्वयं जाके किसान से लेगा तो किसान जो है डायरेक्टली जो है गन्ना नहीं देगा जी, जिससे कि किसान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये बेसिक कोटे में जुड़ेगा और जो है गन्ना चला जाएगा, तो इससे कि किसान का नुकसान है जी। जिसके अधिकारी के द्वारा अगर गन्ना लेता है किसान तो दोनों किसानों का फायदा है, लेने वाले का और प्लस जो है देने वाले का, दोनों लोगों का जो फायदा है जी। जी किसान साथियों मैं नंबर भी स्क्रीन पर चला दूंगा, ये बताओ भैया किसान साथियों मिल रेट पर गन्ना दिया जाएगा तो उस मिल रेट पर दिया जाएगा जी? हाँ, मिल रेट के रेट जो है किसानों को गन्ना उपलब्ध कराया जा रहा है जी, और कैश पेमेंट है जिससे कि पर्ची से पेमेंट नहीं कट रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया जिससे कि किसान को हैंड टू हैंड पेमेंट देना पड़ रहा है। अच्छा, 350 रुपया क्विंटल, 350 रुपये क्विंटल मिल का रेट गन्ना मिलेगा, जिस रेट में आप गन्ना सप्लाई कर रहे हैं मिल को उसी रेट में गन्ना जो है दिया जा रहा है जी। जी किसान साथियों मैं थोड़ा सा निरीक्षण करवाता हूँ आपको गन्ने का, और आप देख ही सकते हो लगभग ट्रंच की है भूल है, देख ही सकते हो पेडिया कितना अच्छा फुटाव हो रहा है, देख ही सकते हो बड़ा ही शानदार पेडी का फुटाव हो रहा है, और गन्ना तो बड़ा ही शानदार गन्ना है आप देख सकते हो, हाइट भी बहुत बढ़िया है गन्ने की जी। इस गन्ने को नीचे से ऊपर अभी दिखा रहा हूँ, देख ही सकते हो किसान साथियों आप कितनी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। तो किसान साथियों थोड़ा सा इनका एवरेज जो भैया ये बताओ, जैसे 0238 वैरायटी है और ये 15023 आप बता रहे हैं, इसका एवरेज और उसके एवरेज में कितना अंतर है थोड़ा? मैंने इस गन्ने को मैंने अपने हाथों से गन्ना कटवाया है जी, और किसान भी कटवा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों ने गन्ना कटवाया और खेत की पैमाइश भी कराई गन्ना कटवा के जी, तो लगभग मैं 110 क्विंटल का एवरेज खेत दे रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, 110 का, 110 का दे रहा है, लेकिन 110 अगर जो ना दे 100 भी निकल जाए तभी किसान का 100% फायदा, लेकिन 110 फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इस समय खेत एवरेज दे रहा है जी, जिससे कि और जो ये मार्च आप जो है क्रॉस कर जाएंगे तो जिससे कि गन्ना हल्का होने लगता है, क्योंकि जो है ग्लूकोज जो है पानी की मात्राएं कम हो जाती हैं, जिससे कि किसान का जो है नुकसान होने लगता है और किसान कहता है कि मेरा गन्ना कम निकल रहा है या गन्ना हल्का है, तो ऐसे कुछ दिक्कतें नहीं है। अगर फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई किसान करता है तो किसान का गन्ना जो है समय से बढ़िया, वैरायटी बहुत अच्छी है, ऐसी वैरायटी तो आज तक जो है आई नहीं, 238 की टक्कर जो दे रहा है तो 15023 ही दे रहा है, 15023 जी। तो इधर गन्ना बाहर सबसे अधिक है। अच्छा, और इसमें रोग नहीं है, रोग नहीं है। किसान साथियों ये भी सुपरवाइजर है भैया, कौन से पद पर हो आप? मैं गन्ना सुपरवाइजर, गन्ना पर्यवेक्षक। अच्छा, नांगल क्षेत्र के? हाँ जी, उत्तम सुगर मिल बरकतपुर। अच्छा, तो भैया अपना नंबर और बता दो, अगर कोई किसान भाई प्रोवाइड करना चाहता है तो अपना नंबर और बता दो एक बार। 6398-70-15-40। अच्छा, और आपका नाम भैया? अंकुर पाल। तो ये भैया कॉल करके आप अपना गन्ने की बुकिंग कर सकते हैं। इस गन्ने की बुवाई जो है मतलब ट्रेंच विधि पे अवश्य कर रहे हैं। अच्छा, और फीट पे जो है करना चाहिए। हाँ, जो लाइन की दूरी है वो 4 फीट से कम ना रखना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि अगर 4 फीट के अंदर में अगर किसान बोता है तो किसान का नुकसान होगा जी, जिससे कि डिस्टेंस दे करके ही गन्ने की बुआई करना चाहिए। और समय एक या दो आंख के टुकड़ों का इस्तेमाल करें, 3 या 4 के टुकड़ों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, एक से या दो के बस, हद है दो जी। और ट्रेंच विधि से बुआई कराने पर इसमें मिट्टी अवश्य चढ़वा दें जी। इसको गन्ने से केवल गिरने से रोकना है, गिरने से रोकना। और इसमें प्रति गन्ना बाहर सबसे अधिक है। तो भैया एक जानकारी और दो, हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में बहन होता है कि इसमें चूहा बहुत लगता है, ऐसा कुछ है भैया? ऐसा कुछ नहीं है, चूहे तो सभी फसलों में लग सकते हैं। जो गन्ना गिरेगा 38 है 23 है 11 0 15 है, जो जितनी वैरायटी आज तक बन गई, कोई भी वैरायटी जमीन पकड़ती है तो चूहे ना सारे जानवर लग सकते हैं। गन्ना कितना शानदार है, और थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे इनसे सुपरवाइजर साहब जो हमारे, देखो बहुत ही बढ़िया मोटाई ले रहा है गन्ना, और पेटी तो बड़ी शानदार। थोड़ी सी ये बताओ जी, इधर आ जाओ गिरी जी, इधर आ जाओ, ये बताओ इसका जर्मिनेशन कैसा होता है गन्ने का? इसका जर्मिनेशन जो है सभी गन्नों से सबसे अच्छा जर्मिनेशन और सबसे कम समय में जर्मिनेशन लेता है जी। जो गन्ना 38 लगा रहे हो आप, जो गन्ना 23 लगा रहे हो, कम से कम 1 हफ्ते का बैलेंस रहता है इसका जी। एक
ये लगभग में एक हफ्ते के बाद में गन्ना निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक ही हफ्ते में हाँ जी। और इसकी जो जर्मिनेशन और फुटाव जो है इसका जी 38 से भी अच्छा फुटाव है इसका। अच्छा, पेडी भी अच्छी होती है जी, और जर्मिनेशन भी बहुत समय के अनुसार जो है बहुत अच्छा होता है जी। और ट्रेंच विधि से जो किसान लगा रहे गन्ना बहुत बढ़िया, उनका तो 100% जो है फायदा ही फायदा ही फायदा। हाँ, गन्ने की मतलब एक गन्ने में 25 पोरी है गन्ने। अच्छा, 25 पोरी है, एक लंबाई भी बिल है इसकी 25 गन्ना है। और गन्ना जो है अभी नापे है, अभी फिर से अभी नाप दिया गया है, तो जो है गन्ना 13.5 फीट का गन्ना। हाँ, इतना का होगा भैया, इतना का होगा, 13.5 फीट। बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी हाइट है, बहुत बढ़िया। तो किसान साथियों, मैं नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी चला दूंगा अपने हमारे जो सुपरवाइजर साहब। मतलब किसानों से यही कहना चाहेंगे कि आगामी वर्ष की बुआई हेतु अपने पास बीज की उपलब्धता जरूर रखें, जरूर रखें। क्योंकि 0238 पे रेड रोड आ गया है, पोका बोइंग मिली बग, तो ये रोग ग्रसित हो गया है। इसके लिए अपने पास 30% भूमि पर दूसरी प्रजाति का बीज 15023 का बीज अवश्य उगा के अवश्य रखें, जो कि आप अगले वर्ष इसकी बुआई कर सके। जी जी, सही बात। क्योंकि मिल के पास 38,000 किसान है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है, फिर मतलब एक साथ सभी को बीज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। तो इससे पहले पहले फिर किसान मिल वालों के बोलेंगे कि जी हमें बीज कहाँ से लाओ, इसमें रोग आ गया, लाल सड़न का रोग, हमारा खेत खाली होते जा रहे हैं जी, तो हमें बीज कहाँ से दे। तो हम इससे पहले पहले किसानों से बताना चाह रहे हैं कि अपने पास कुल क्षेत्रफल का 30% CO 15023 का बीज उपलब्ध रखे, जिससे कि आप आने वाले टाइम में बोल सकते हैं, काट के बो सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना कीमती समय दिया। और किसान साथियों, जो भी ये वैरायटी लेना चाहता है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी निकाल डाल दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने किसान भाई का भी। और थोड़ा सा मैं आपको निरीक्षण और करवा देता हूँ गन्ने का, ये देख ही सकते हो, सब गन्ना बड़ा ही शानदार खड़ा है और साइज भी ठीक ठाक बन रहा है, देख ही सकते हो आप। तो किसान साथियों, मतलब हाँ, सभी गन्ने बढ़िया खड़े, बढ़िया है, 25 पोरिया गन्ना है जी, बताया 13.5 फीट की लंबाई है। हाँ जी जी, एक ही गन्ना नहीं है, पूरा प्लॉट का बढ़िया खड़ा है इनके पास। ये 3 बीघे का प्लॉट है जी, जिसमें से कुछ बीज के लिए गया है, पीछे जो पीछे है, जो बीज, बीज के लिए गया। और पेडी बहुत अच्छी है, और इसकी पेडी भी जो गरज रही है, जबकि अभी 15 दिन हुए है इसे कटे हुए, सारा का सारा गन्ना बीज में गया है, 110 क्विंटल का इनका एवरेज निकाला गया है। अच्छा, टाइमाइज करके जी जी। किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना कीमती समय दिया। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। तो किसान साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भी किसान भाई को बीच पर ये लेना है तो संपर्क कर सकता है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा किसान साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।